हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल टॉक्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज बात करने वाला है कि आप कैसे अपने मोबाइल में 19 या 20 डिजिट का सिम कार्ड नंबर फाइंड कर सकते हैं, और हम इसे सिम कार्ड नंबर या फिर ICCID यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मली तो आपके सिम कार्ड के पीछे ही 19 या फिर 20 डिजिट का ये सिम नंबर दिया हुआ है होता है, लेकिन अगर आपको वहाँ पर नहीं मिलता है, वहाँ पर लिखा हुआ नहीं होता है, तो आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाकर उसके बाद वहाँ पर अबाउट फ़ोन या फिर अबाउट डिवाइस में जाकर उसके बाद सिम स्टेटस में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको आपका सिम कार्ड नंबर मिलेगा, और अगर आपको वहाँ पर भी वो फाइंड नहीं होता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में उसका तरीका बताने वाला हूँ कि आप तो कैसे अपना सिम कार्ड नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा इस वीडियो के साथ लास्ट तक, मैं आपको पूरी डिटेल समझाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम एक एप्लीकेशन की मदद से सिम कार्ड नंबर फाइंड करने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। मैं अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है मोबाइल सिम एंड लोकेशन इन्फो। हमें टाइप कर लेना है मोबाइल सिम एंड लोकेशन इन्फो, और उसके बाद उसको सर्च कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें पहली ही एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसको हमें सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे इंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टार्ट का बटन, उस पर एक बार क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, सिम कार्ड नंबर पाने के लिए यहाँ पर आपको सिम इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको सिम वन और सिम टू, उन दोनों की डिटेल्स यहाँ पर हमें शो कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे, यहाँ पर सिम वन और सिम टू उस दोनों का नंबर दिया हुआ है। तो अगर आपको जिस नंबर का भी सिम कार्ड नंबर चाहिए, वो चाहे सिम कार्ड वन हो, सिम कार्ड टू हो, वो यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे सिम टू का सिम कार्ड नंबर चाहिए, क्योंकि मुझे अपना 2G BSNL कार्ड 4G में ट्रांसफ़र करना है, मतलब 4G में अपग्रेड करना है, तो मैं इसकी मदद से कर सकता हूँ। वैसे ही आप दूसरे बहुत सारे काम इस नंबर की मदद से कर सकते। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको एक बहुत यूज़फुल चीज़ आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको अदर सिम इन्फो के ऑप्शन पर टैप कर लेना है। उसके बाद आप जो भी सिम यूज़ करते हो, मान लो आप एयरटेल का सिम यूज़ करते हो, तो आपको एयरटेल के सिम पर चले जाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही सारे नंबर्स वगैरह दिए गए हैं, जो कि आपको डेली लाइफ में यूज़फुल रहेंगे। अगर आपको बैलेंस चेक करना हो, अगर आपको आपका मोबाइल नंबर पोर्ट करवाना हो, और अगर आपको दूसरी कोई भी चीज़ जो जाननी हो, तो इस नंबर्स के ज़रिए आप उसे जान सकते हैं। ये भी आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा। ये आप एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। अगर आप एयरटेल के अलावा कोई सिम कार्ड यूज़ करते हो, तो यहाँ पर दूसरे भी ऑप्शन दिए गए हैं, वोडाफोन आइडिया वगैरह का भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।